Assalamu alaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe in home. I am your English teacher, Ms. Sidra. This is your English copy. Okay students, now in previous video we doing copy work. What we doing? We doing copy work. और हमने क्या करा था copy work में? हमने करे थे dictation words. What we doing? Dictation words. तो first of all I revise you dictation words. Then we doing next work. Okay? Okay students. I take a boat. और now start dictation words. Dictation words. Again I repeat dictation words. Dictation words. First word is. I-S. Is. Second word is he. H-E-he. Third word is in. I-N-N. Fourth word is If. I-F-if. Fifth word is go. G-O-go. Sixth word is B. 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 E. B. Again I repeat. Is. He. In. If. Go. B. Okay students, I revise your dictation words. Then, आपको ये dictation words याद करने हैं, अच्छे से learn करने हैं. Okay? कभी भी आपका इन dictation words का test हो सकता है, तो आपको इसके लिए prepare रहना है. Okay, now come into our work. What we doing today? We doing book work. What we doing? We doing book work. Okay students, today we are doing book work. What we are doing? We doing book work. This is your English book. Okay, ये आपकी English ही book है. अपनी books का, अपनी copies का बहुत ख्याल रखना है. इनको tear नहीं करना है. Okay, now open your book. In previous video, we doing page number 60. What we doing in page number 60? Vowels. This is our vowels. These are vowels. Okay. How many vowels we have? We have 5 vowels. Name them A, E, I, O, U. These are our vowels. ये हमारे vowels हैं. Now, and what we doing another word, write from A, A, Z, Z. हमने write करा है A to Z. Okay? Now, come into page number 61. Page number 61. What we doing in page number 61? We doing what comes after. What comes after? Yani बाद में क्या आता है? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास alphabets write हुए हुए थे. ठीक है, अब हमें इनमें write क्या करना था कि बाद में क्या आता है. What comes after. Now next word in this page, इसमें हमारा next word क्या था? What Right in between, यानी इसमें between में क्या आता है? यानी between means बीच में. Okay, so come into next page. Today we are doing work in page number 62. आज हम work करेंगे page number 62 पे. Okay students, what आज हम
अपना पेज नंबर 62 पे वर्क करेंगी. ओके नाउ व्हाट वी डूइंग इन पेज नंबर 62. हम पेज नंबर 62 पे क्या वर्क करेंगे? हम पेज नंबर 62 पे वर्क करेंगे मैचिंग. व्हाट वी डूइंग? मैच. व्हाट वी डूइंग? मैच. हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है. पहले तो हम इनको साउंड्स में पढ़ेंगे, फिर हम गैस करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे कि कौन से वर्ड्स हैं वो. ओके, व्हाट साउंड इज दिस? ए. व्हाट साउंड इज दिस? ट. मैंने आपको बताया था ना, जब ये दोनों साउंड आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या बनता है? ट. एट. पहले हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे और फिर हम इनको मिला देंगे, यानी ज्वाइन कर देंगे. ए ट एट. ए ट एट. क्या बना? वर्ड वर्ड इज मेक एट. एट एट. ऑट ऑट. ऑट ऑट. ऑट ऑट. ओके, ए टी एट. अब इनको हम लोग अल्फ़ाबेट में भी पढ़ सकते हैं. पहले मैंने साउंड में पढ़ा था, अब इनको हम अल्फ़ाबेट्स में भी पढ़ सकते हैं. ए टी एट. ओ टी ऑट. ए टी एट. ओ टी ऑट. ए टी एट. ओ टी ऑट. अब हमें इसमें क्या करना है? मैच. हमें क्या करना है? मैच, यानी सेम वर्ड्स को मैच करना है. हमें पता है ना, मैचिंग में क्या करते हैं, जो सेम थिंग्स होती हैं, सेम पिक्चर्स होती हैं, सेम वर्ड्स होते हैं, सेम अल्फाबेट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? मैच करते हैं, यानी ज्वाइन करते हैं. नाउ पहले सबसे पहले तो वी पुट डेट हियर 2012 एंड 2020 इज द ईयर. ओके नाउ, अब हमारे पास यहाँ पे तो डॉटेड लाइन है जिससे मैच हुआ हुआ है, लेकिन हमें जब हम मैचिंग करते हैं, सो व्हाट वी यूज़? वी यूज़ रूलर. ओके, विद द हेल्प ऑफ रूलर वी मैच इट लाइक दिस. ओके नाउ ऑटी ऑट. अब सेम ऑटी ऑट ऐसे यहाँ पे राइट हुआ हुआ है ना, दोनों सेम है. लुक एट दिस. सो अब हम इसको भी मैच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर. ओके, इस तरह से हमने मैचिंग कर दी, यानी मैच कर दिया. ओके नाउ कम इनटू नेक्स्ट. रीच, मैच एंड कलर. ओके, अगेन आई रिपीट, रीच, मैच एंड कलर. ओके, मेरे साथ सब रीड करेंगे, जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ, जिस तरह मैं बोल रही हूँ, उसी तरह आप लोग भी बोलेंगे, ताकि आप लोगों को भी आए कि हम क्या बोल रहे हैं. ओके, रीड, मैच एंड कलर. ओके, हमें इसमें क्या करना है? रीड करना है. रीड क्या होता है? पढ़ना है. ओके, मैच मीन्स मैचिंग करनी है. एंड और कलर. वाओ, हमें और क्या करना है? कलरिंग करनी है. कलरिंग तो हम सबको बहुत पसंद है ना, हम सब कलरिंग करते हैं. तो इसमें हमें क्या करना है? रीड, मैच एंड कलर, यानी हमें इसमें रीडिंग भी करनी है, मैचिंग भी करनी है, देन कलरिंग करनी है. ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इट, देन वी कलर इट. ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बुक वर्क करें, मैं आपको बोर्ड पे लर्न करवाऊंगी, रीड करवाऊंगी. ओके, मैंने बोर्ड के टू पार्टीशंस कर दिए हैं. लुक एट दिस, मैंने बोर्ड के टू पार्टीशन कर दिए हैं. ना जहाँ पे मैंने एक साइड पे ए टी एट राइट करा है, एंड अदर साइड आई राइट ओ टी ऑट, और मैंने वर्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं. जहाँ पे वर्ड है ए टी एट, उस साइड पे मैंने ए टी एड वाले वर्ड्स राइट करे हैं, और जहाँ ओ टी ऑट है वहाँ पे मैंने ओ टी ऑट वाले वर्ड राइट करे हैं. ओके, रीड अगेन. ए टी एट, ओ टी ऑट. अब हम क्या करेंगे, ये जो ए टी एट है
इसके आगे हम एक न्यू अल्फ़ाबेट यानी न्यू साउंड्स राइट कर देंगे, तो हम इसको ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो एक नया वर्ड मेक होगा. ओके नाउ ए टी एट, इससे पहले मैं यहाँ पे राइट कर दूँगी ख ख ख. तो अब इन तीनों साउंड्स को मिला के पढ़ेंगे तो एक वर्ड मेक होगा. कौन सा वर्ड मेक होगा? ख ए ट कैट. अगेन आई रिपीट ख ए ट कैट ख ए ट कैट. ओके सी ए टी कैट. इसको आपको अल्फ़ाबेट में भी पढ़ सकते हैं, साउंड्स में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन साउंड में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से रीड कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं. ओके नाउ कम इनटू नेक्स्ट वर्ड र ए ट र ए ट र ए ट रेट. यस अब हम इसको पढ़ते पढ़ते इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हम फौरन पिक कर लेंगे कि व्हाट वर्ड इज मेक. कैट रेड. टेल मी व्हाट इज कैट. कैट क्या होती है? देखिए आप लोगों ने बाहर. यस जब हम आउटसाइड द होम जाते हैं तो बाहर होती है ना कैट. कैट मीन्स बिल्ली. और अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको स्टोरी सुनाई थी कैट की. उस कैट का कलर कौन सा था? यस उस कैट का कलर था ग्रीन. बट कैट का कलर तो ग्रीन नहीं होता. कैट का कलर तो ब्लैक होता है, वाइट होता है, ब्राउन होता है ना. सो वो स्टोरी थी लेकिन रियल में कैट का कलर होता है वाइट ब्लैक ब्राउन. स्टोरी थी तो इसलिए कैट का कलर ग्रीन था, बट रियल में तो कैट का कलर ग्रीन नहीं होता. ओके तो व्हाट वर्ड इज दिस? कैट ख ए ट कैट. ओके कम इनटू नेक्स्ट र ए ट रेट. र ए ट रेट. र ए ट रेट. रेड क्या होता है? रेड क्या होता है? यस रेड किसे कहते हैं? चूहे को. क्या होता है? चूहा. जब हम बाहर देखते हैं अक्सर रात में बाहर निकलता है चूहा, ब्लैक कलर का होता है, बहुत डर्टी सा होता है, हैं? तो क्या होता है रेड? चूहे को कहते हैं रेड. ओके अब एटी. एटी के से पहले मैं र लगा दिया तो कौन सा वर्ड मेक हो गया? रेड. र ए ट रेड. र ए ट रेड. कैट कैट कैट. रेड रेड रेड. अगेन आई रिपीट कैट रेड. कैट रेड. नाउ कम इनटू नेक्स्ट पार्ट ऑफ वर्ड ऑट. ऑट ऑट ऑट. अब हम यहाँ पे कौन से वाले वर्ड्स पढ़ेंगे? ऑट वाले यानी जिनके लास्ट में ऑट आता है. ऑट कोई वर्ड बना है ना, कोई वर्ड मेक हुआ ना. ऑट थोड़ा माइंड पे जोर दें इस. अब इन तीनों वर्ड्स को, इन तीनों साउंड्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो एक वर्ड मेक हो जाएगा. ऑट हॉट. यस ऑट हॉट. हॉट क्या होता है? हॉट मीन्स गरम. हॉट मीन्स गरम. अभी विंटर्स है ना तो वी ड्रिंक हॉट कॉफ़ी, हॉट सूप. वी हम लोग गर्म चीज़ें पीते हैं, गर्म कॉफ़ी, गर्म सूप. हॉट होता है ना तो हॉट मीन्स गर्म. ओके हॉट हॉट हॉट. और इसको अल्फाबेटिक यानी स्पेलिंग के साथ भी ऐसे रीड कर सकते हैं एच ओ टी हॉट. एच ओ टी हॉट. मैं दोनों तरीके से आपको इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको दोनों तरीके से आए और आप आराम से वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकें. कम इनटू नेक्स्ट वर्ड प ऑट. प ऑट प ऑट. आप इसको ज्वाइन करके पढ़ेंगे प ऑट पॉट. यस व्हाट वर्ड इज दिस? पॉट. व्हाट वर्ड इज दिस? पॉट. अब पॉट तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लाइक पेन पॉट. आपकी क्लास में पेन पॉट होता है ना, टीचर पेन्स रखती हैं, पेंसिल पॉट. और एक होता है फ्लावर पॉट.
यानी हम लोग देखते हैं हमारे गार्डन में भी फ्लावर पॉट है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स होते हैं. हॉट 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 पॉट 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 एच ओ टी हॉट 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 प ओ ट पॉट पी ओ टी पॉट. ओके ये एट वाले वर्ड्स हैं, ये ऑट वाले वर्ड्स हैं. ओके कैच रेड हॉट पॉट कैट रेड पॉट हॉट. ओके अभी तो हमने इसमें रीडिंग कर ली बोर्ड पर, अब हम अपना कॉपी में रीड करेंगे, देन वी डूइंग आवर वर्क. ओके ओके स्टूडेंट्स कम इनटू आवर बुक वर्क, ओपन पेज नंबर 62, रीड मैच एंड कलर. ओके अभी मैंने बताया था ना व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस कैट, ख एट कैट रेड हॉट पॉट. नाउ इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी राइट हुआ हुआ है, रीड करेंगे पॉट कैट रेड हॉट. ओके अब स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको इतना अच्छा लर्न करा दिया कि आप खुद ही वर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके नाउ व्हाट इज दिस कैट एंड वेयर इज कैट वेयर इज कैट वेयर इज कैट दिस इज कैट नो दिस इज नो दिस इज यस. सो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेस हुआ हुआ है तो हम इस पर डॉटेड है, हम इस पर ट्रेसिंग कर देंगे. ओके लाइक दिस एंड लाइक दिस. ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड रेड रेड यस वेयर इज रेड दिस इज रेड नो दिस इज यस दिस इज रेड. सो वी मैच इट ओके विद द हेल्प ऑफ रूलर. ओके नाउ अब वेयर इज रेड इन दिस लाइन, अब हमें रेड की स्पेलिंग इस लाइन में फाइंड करनी है. दिस इज नो दिस इज नो दिस इज यस वी टेक अ रूलर एंड वी ज्वाइन इट. ओके नाउ हॉट 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 मीन्स गरम. अब यहाँ पे गरम टी कॉफ़ी जो आप समझ लें एक मग में है तो ये हॉट है. ओके ये हॉट है सो वी ज्वाइन इट ओके विद द हेल्प ऑफ रूलर. ओके एंड वेयर इज अनदर स्पेलिंग ऑफ हॉट दिस इज नो दिस इज यस एंड वी ज्वाइन इट ओके लाइक दिस पॉट पॉट वेयर इज पॉट दिस इज फ्लावर पॉट यस दिस इज फ्लावर पॉट नाउ मैच इट एंड वेयर इज अनदर स्पेलिंग ऑफ पॉट दिस इज यस नाउ पेज नंबर 62 इज फिनिश कम इनटू नेक्स्ट पेज पेज नंबर 63 पेज नंबर 63 व्हाट वी डूइंग इन पेज नंबर 63 वी डूइंग इन पेज नंबर 63 मैच एंड कलर सर्कल द सेम. ओके नाउ व्हाट वी डूइंग इन दिस पेज कलर वो मैच एंड सर्कल द नेम. उफ्स पे इसमें हम कलर करना तो भूल गए. ओ अब इस पर हमें कलर भी करना है, पहले हम इस पर कलरिंग फिनिश करेंगे देन वी डूइंग पेज नंबर 63. ओके ओके इन माउस आई टेक ब्लैक कलर एंड वो रेड एंड आई टेक रेड कलर ब्लैक कलर एंड आई स्टार्ट कलरिंग. बिल्कुल लाइट कलर करेंगे डार्क कलरिंग करेंगे तो माउस जो है ना और डर्टी लगेगा. ओके ट्राई बेस्ट की कलरिंग आपकी आउट ना हो. ओके नाउ बिल्कुल इस तरीके से रेड पे कलरिंग करेंगे. ओके नाउ
नेक्स्ट पिक्चर इज कैट. आई टेक अ ब्राउन कलर एंड उस पर भी नीट एंड क्लीन कलरिंग करेंगी. ओके ओके हॉट. अब कब है, कब तो कोई सभी कलर का हो सकता है. सो आई टेक अ पिंक कलर और मैं कप पे पिंक कलर करूँगी. ओके और कॉफ़ी बनाना चाह रहे हैं या टी बनाना चाह रहे हैं तो आप उस हिसाब से ब्राउन कलर करेंगे क्योंकि कॉफ़ी और टी का कलर तो ब्राउन होता है ना. लुक एट दिस, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कलरिंग करेंगे. नाउ इन पॉट फ्लावर पे मैं येलो कलर करूँगी लाइक दिस इसके पेटल्स पे. एंड देन आई टेक ब्लू कलर. पॉट पे मैं ब्लू कलर करूँगी बिल्कुल नीट एंड क्लीन. ट्राई बेस्ट के कलर अच्छा और नीट एंड क्लीन हो. ओके और मैं जो पॉट पे वो है हमारी उस पर मैं ब्लू कलर करूँगी, वो पिंक कलर करूँगी, सॉरी पिंक कलर. ओके नाउ मेरी कलरिंग फिनिश हो गई है. कम इनटू पेज नंबर 63. पेज नंबर 63 फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट डेट हियर 2020 एंड 2020, 12 is a month and 2020 is a year. ओके अब ये इन प्रीवियस पेज हमने जो वर्क करा था वो 88 और ऑटी ऑड वाले वर्ड थे. अब यहाँ पे चेंज हैं UTH. ओके UTH. Art. Now we join it. हमें इसमें क्या करना है, मैच. ओके वॉट वी डूइंग, मैच. वी मैच सेम वर्ड. टेक अ रूलर एंड जॉइन इट. ओके ओके Art. वी join it. ये टू वर्ड्स हैं तो इसमें हमें ज़्यादा फाइंड करने की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ईजीली हो गए हैं. ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स होते हैं वहाँ पे हमें फाइंड करने की ज़रूरत होती है. टू में तो हम लोग फौरन फाइंड कर लेते हैं. ठीक, नाउ कम इन टू नेक्स्ट सर्कल दी से. वाओ ये तो हमें बहुत मज़ा आता है हमें करने में, है ना. मुझे तो बहुत आता है, आप लोग को भी आता होगा. तो अब हम इसको भी जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं. वॉट इज़ दिस Art. अब हमें सेम वर्ड्स यानी जो यहाँ पे राइट है उसी तरह का सेम देख फाइंड करके हमें सर्कल करना है. अब इस तरह का सेम ये है, नो दिस इज यस, वी सर्कल इट. इसमें तो ऑलरेडी ट्रेस डॉटेड लाइन हुई हुई है, हमें ट्रेस करना है. दिस इज नो, दिस इज यस एंड लास्ट इज दिस. ओके इसमें तो हुआ हुआ था, अब हम नेक्स्ट बढ़ाते हैं ETH. अब ऐसे वाले वर्ड्स हमें फाइंड करने और सर्कल करना है. नाउ फर्स्ट यस वी सर्कल इट. दिस इज सेम, नो दिस इज सेम, यस दीज आर सेम, दीज आर सेम, नो दीज आर सेम, यस एंड दीज आर सेम, नो. सो हम इस पर सर्कल नहीं करेंगे. नाउ कम इन टू नेक्स्ट 88. 88 वाले वर्ड्स पे सर्कल करना है. दिस इज दीज आर सेम, यस दीज आर सेम, नो. तो हम इस पर सर्कल नहीं करेंगे. दीज आर सेम, नो दीज आर सेम, नो दीज आर सेम, यस. तो अब हम इस पर सर्कल करेंगे. दीज आर सेम, यस. तो उस पर सर्किल होगा. जो सेम नहीं है उस पर सर्किल नहीं होगा और जो सेम है उस पर सर्किल होगा. ओके OT. दिस आर सेम, यस दीज आर सेम. सो वी मेक सर्कल. दीज आर सेम, नो दीज आर सेम, नो दीज आर सेम, यस these are same, yes
एंड दीज आर सेम, नो, तो इस पे सर्किल नहीं होगा. नाउ दिस वर्क इज फिनिश, पेज नंबर 63 इज फिनिश. वॉट वी डूइंग इन टूडे, वी डूइंग पेज नंबर 62 एंड पेज नंबर 63. ओके, रिमेंबर अपना वर्क नीट एंड क्लीन आपको करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए. और आफ्टर वर्क वॉट वी डूइंग, हम क्या करते हैं वर्क के बाद, वी टेक अ पिक्चर एंड सेंड इन ग्रुप. एंड इफ योर वर्क इज गुड सो टीचर गिव यू स्टार्स, है ना. सो अपना अच्छा अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क करना है ताकि टीचर आपको बहुत सारे स्टार्स दें. ओके, अपना ख्याल रखना है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.